इतने बात पर तुम्हारा फटता है, जो ऑफिस में गए तो सर बोले इतने बात पर तुम्हारा फटता है, वही टीचर से तुमसे 2 साल अभी पढ़ना है, तुम जाके मिला के पढ़ो वही टीचर से, कोई बात नहीं है। और क्लास में जाते रूम पर, रूम के सामने ही जाते सर हमको भगा, रे फंस जाएगा, केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, भागो यहाँ से, सर बोलते हैं हमको। अच्छा, कंप्लेन करोगे तो केस कर देंगे? नहीं, बोलते हैं कि हमारे साथ तू बदतमीजी करता है, फंस जाओगे हमारे, हमसे जवाब लड़ाओगे तो। हम ऑफिस में जाके बोले, सर बोले इतने बात पर तुम्हारा फटता है, जाके पढ़ो वही टीचर से, बोले कि जानता है कौन सा क्लास में, एकदम जोर से बोले जानता है कौन सा क्लास में है, हम बोले सॉरी सर बता दीजिए ना अगर गलती हो गया तो, तो बोलता है उठो उठो पहले, हम बोले सर कौन सा सब्जेक्ट है बता दीजिए, तो बोले नहीं जानना है बताओ पहले, हम बोले सर नाम क्या हो गया आपका, बस नॉर्मली सुबह मैंने पूछा, तो सर ऐसे ही बैग मेरा लेके फेंक दिया और कॉलर पकड़ के सबके सामने घसीटते हुए हमको रूम से बाहर कर दिया एकदम। बिहार के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जब से ये रूल लागू हुआ है कि 75% अटेंडेंस बिल्कुल मान्य ही है, तब से छात्रों में होड़ लग गई है कि जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचे, वहां जाके क्लास करें। लेकिन क्या हो जब एक छात्र अपने कॉलेज में पहुंचे, वहां पर सही तौर पे उसे कुछ लिखा हुआ ना मिले, इस वजह से किसी और क्लास में ही कन्फ्यूजन की वजह से घुस जाए, और घुसने के बाद वहां पर उसके साथ मारपीट की जाए, वहां पर उसे पीटा जाए, और उसके बाद वहां पर उसके साथ बदसुलूकी की जाए। हमारे साथ अजीत है जिसने कॉल करके हमें ये बताया कि जब हम बीआरबी कॉलेज में पहुंचते हैं, समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज में, तो यहां पर जब हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं, एक क्लास में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी सी गलती ये होती है कि नीचे ना लिखे होने की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से गलत क्लास में बैठ जाते हैं, तो सर सीधा क्लास में आते हैं, कॉलर पकड़ के हमें धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं और हमारा बैग वगैरह सब कुछ फेंक देते हैं। अजीत क्या हुआ यहाँ? अभी सबसे पहले हम वहाँ पे गए तो मेरा लिखा हुआ था इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 107 नंबर रूम था, हम 107 देख करके सेकंड फ्लोर पर गए, 107 में जाके बैठ गए, टीचर आए तो हम सबसे पहले सर को बोले गुड मॉर्निंग, सर बोले फर्स्ट दिन क्लास है, हम बोले हाँ सर फर्स्ट दिन क्लास है, पूछे कौन सा सब्जेक्ट है, हम बोले इकोनॉमिक्स है सर, तो बोले कि जानता है कौन सा क्लास में, एकदम जोर से बोले जानता है कौन सा क्लास में है, हम बोले सॉरी सर बता दीजिए ना अगर गलती हो गया तो, बोलता है उठो उठो पहले, हम बोले सर कौन सा सब्जेक्ट बता दीजिए, तो बोले नहीं जानना है बताओ पहले, हम बोले सर नाम क्या हो गया आपका, बस नॉर्मली सुबह मैंने पूछा, तो सर ऐसे ही बैग मेरा लेके फेंक दिया और कॉलर पकड़ के सबके सामने घसीटते हुए हमको रूम से बाहर कर दिया एकदम रगदारी के साथ। इसमें मेरी क्या गलती है आप ही बताइए, कोई गलती है मेरी? जबरदस्ती सर कॉलर पकड़ के हमको क्लास से बाहर कर दिया है। अच्छा, मानते हैं कि तुम गलत क्लास में बैठ गए थे, लेकिन नीचे लिखा हुआ है रूटीन में 107 नंबर रूम इकोनॉमिक्स वाला का है, फिर भी 107 में हम गए, फिर भी सर हमको कॉलर पकड़ के क्लास से बाहर कर दिया है। देखिए ये जो रवैया है कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि कॉलेज के अंदर टीचर द्वारा गुंडागर्दी की गई है और छात्र के साथ गलत हुआ है। छात्र यहाँ पहुँचते हैं ताकि यहाँ आके पढ़ सके, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, जो शिक्षकों का व्यवहार है, वो कुछ गलत तौर पे ही यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ से जब तुम्हें अंदर से निकाला गया तो कहीं कंप्लेन वगैरह किए हो अभी तक? कंप्लेन गए तो सर यहाँ ऑफिस में गए तो बोले इतने बात पर तुम्हारा फटता है, जो ऑफिस में गए तो सर बोले इतने बात पर तुम्हारा फटता है, वही टीचर से तुमसे 2 साल अभी पढ़ना है, तुम जाके मिला के पढ़ो वही टीचर से, कोई बात नहीं है। और क्लास में जाते रूम पर, रूम के सामने ही जाते सर हमको भगा, रे फंस जाएगा, केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, भागो यहाँ से, सर बोलते हैं हमको। अच्छा, कंप्लेन करोगे तो केस कर देंगे? नहीं, बोलते हैं कि हमारे साथ तू बदतमीजी करता है, फंस जाओगे हमारे, हमसे जवाब लड़ाओगे तो। हम ऑफिस में जाके बोले, सर बोले इतने बात पर तुम्हारा फटता है, जाके पढ़ो वही टीचर से, तो हम बताएं हम किसके पास अभी जाए, मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें अभी। अब देखिए के पाठक जी, अब जिस तरीके से आप रूल सख्त कर रहे हैं, वैसे वैसे छात्रों का जो दर्द है, जो समस्या है, वो बढ़ते जा रही है। एक छात्र अपने कॉलेज में क्लास करने जाता है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जब इसकी कंप्लेन करने के लिए वो ऑफिस तक पहुंचता है, सीनियर टीचर के पास पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद भी इसकी जो समस्या उसे सुनी नहीं जाती है और अभद्र तरीके से इसे वहां से डरा धमका करके भगा दिया जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, दुर्व्यवहार कर रहे हो तुम मेरे साथ, ऐसा इन तमाम चीजों को कहा जाता है और इसे केस का धमकी दे करके, यहाँ से हवाला दे करके भगाने की प्रयास करते हैं। स्टूडेंट को धमकी देता है कि फंसा देंगे तुमको यहाँ से, हमारे सामने से चल जाओ, नहीं तो टीचर होकर धमकी देते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दूर दूर तक, फिर भी बाकी ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं निंदनीय है और इस तरीके से अगर छात्रों के साथ इस तरीके का बिहेवियर रहेगा तो कोई भी छात्र कॉलेज पे आके अपना अटेंडेंस भी कंप्लीट करने से रहा। आप जिस तरीके से रूल सख्त कर रहे हैं तो आपको जरूरत है कि शिक्षकों को भी सख्त हिदायत दिया जाए कि बच्चों और जो भी उनके स्टूडेंट हैं उनके साथ अच्छे तौर से व्यवहार करने के लिए और साथ ही साथ उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। बाकी क्या सोचते हैं तमाम मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।